नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय शर्मा सभी शिक्षक साथियों का NIOS के इस स्टूडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, अक्सर ये सुनने में आता है कि खास तौर पर छोटी छोटी जो हमारे पास जो कक्षाएं हैं उनके अंदर कि बच्चों की भागीदारी और उनका सीखना सभी बच्चों का समान रूप से नहीं हो पाता, सभी बच्चे सीख नहीं पाते हैं, कुछ कम ज़्यादा सीखते हैं। तो इस तरह की स्थिति में एक शिक्षक के लिए चुनौती होती है कि वो अपने कक्षा में बच्चों की भागीदारी और उनके सीखने को किस प्रकार से सुनिश्चित करें। आज की हमारी इस बातचीत में हम लोग इस बारे में बात करने का प्रयास करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार से बच्चों की भागीदारी को बढ़ाएं और बच्चे के सीखने को सुनिश्चित करें। इससे पूर्व हमें ये समझना होगा कि आखिर हम लोग सीखना किसे कहते हैं, और सीखने को समझ लेने के बाद ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सीखना किन किन कारकों से प्रभावित होता है। और चूंकि आज की बातचीत हमारे पर्यावरण अध्ययन विषय के साथ जुड़ी है, तो इसलिए ये भी समझना ज़रूरी होगा कि पर्यावरण अध्ययन से हमारा क्या अभिप्राय है और ये अध्ययन क्यों ज़रूरी होता है। जब हम ये जान लेंगे कि इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो निश्चित रूप से हम बच्चों की भागीदारी को बढ़ा पाएंगे, और ऐसा कर लेने के बाद बच्चों का सीखना भी सुनिश्चित होगा। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, और इसमें हमारी अपनी क्या भूमिका है ये देखना और जानना बहुत महत्वपूर्ण बनता है। सीखना, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में कुछ खास तरह के हम लोग बदलाव करना चाहते हैं। जब ये खास तरह के बदलाव या अपेक्षित बदलाव बच्चों व्यक्ति के जीवन में या बच्चे के जीवन में होते हैं, तो निश्चित रूप से ये सीखने की गतिविधि की तरफ बढ़ रहा होता है। ये प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया कहला रही होती है। अक्सर ये बदलाव स्थायी होते हैं, और इन बदलावों के माध्यम से या इन परिवर्तनों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में जो लक्ष्य वो तय करता है उनकी प्राप्ति की तरफ बढ़ रहा होता है। सीखना एक प्रकार से एक सुविचारित प्रक्रिया है, एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है, एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जिसमें सीखने वाले की भूमिका एक प्रकार से सक्रिय, संचेतन और उत्प्रेरक की होती है। अर्थात सीखना एक समय एवं संदर्भ सापेक्ष होने वाली गतिविधि है, होने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें सीखने के लिए जैसा कि बताया गया कि एक कोई ना कोई आपके पास एक विचार होना चाहिए, एक तैयारी होनी चाहिए, और एक मानसिक स्थिति भी उसके साथ जुड़नी चाहिए, और जिसमें हम कुछ खास तरह के बदलाव उस बच्चे में हम देख पाते हैं, और उसके लिए उसका अपना तैयार होना और उसका अपना सक्रिय होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सीखना एक प्रकार से, अक्सर हम लोग सीखने की स्थिति में हम ये पाते हैं कि बच्चे नकल करके सीखते हैं, या हम उसे कह सकते हैं कि वो अनुकरण करके सीखते हैं, गलतियाँ करके सीखते हैं, अभ्यास एवं त्रुटि के माध्यम से वो सीखते हैं। अवलोकन करके सीखना एक बहुत महत्वपूर्ण उपागम है सीखने का, जिसमें अक्सर बच्चे नए व्यवहार का निर्माण कर रहे होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि बच्चे अपने अनुभवों के द्वारा ही सीखते हैं, और इन अनुभवों के निर्माण में बच्चों के संवेदी अंगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे का देखना, सूंघना, उसका छूना, उसका बात करना या उसका समझना, इन तमाम तरह की स्थितियों से हम ये मानकर चलते हैं कि बच्चा सीख रहा होता है, और बच्चे इसी प्रकार से सीखते हैं। सीखने को समझ लेने के बाद हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी बन जाता है कि हम ये जानें कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो सीखने की गति को कम करते हैं या बढ़ाते हैं या उसको प्रभावित करते हैं। इन कारकों में प्रमुख रूप से हम ये मानते हैं कि बच्चे की अपनी समझ, उसी परिपक्वता सीखने की गति को बढ़ाती है या कम कर सकती है। सीखने के लिए उसकी तैयारी, उसकी जिज्ञासा, उसकी तत्परता भी सीखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आपने अपनी कक्षा में बच्चे को सीखने का माहौल दिया है, या आपने इस तरह का परिवेश का निर्माण किया है जहाँ बच्चा सीख पाए, जहाँ बच्चा समझ पाए, तो निश्चित रूप से वहाँ पर सीखने सिखाने की परंपरा या गतिविधि आगे बढ़ रही होती है। जैसा कि सभी शिक्षक साथी इस बात से परिचित हैं कि सीखने के लिए प्रेरणा का होना बहुत ज़रूरी है, और ये प्रेरणा प्राय आंतरिक हो सकती है या बाह्य हो सकती है। यदि आपने अपनी कक्षा में सीखने में रोचकता का ध्यान रखा है, बच्चे के आनंद का ध्यान रखा है, बच्चे की सक्रियता का ध्यान रखा है, तो निश्चित रूप से ये सब सीखने की गतिविधि को बढ़ा रहे होते हैं। सीखने की जो सीखने सिखाने की जो परंपरा है या उसकी जो प्रक्रिया है, उसमें एक प्रकार से गति मिलती है और बच्चे सक्रियता से सीख पाते हैं। सभी विद्यार्थी सीखें, इसके लिए चूंकि आज की बातचीत हमारी इसी मुद्दे पर है कि जिसमें हम लोगों को ये समझना है कि हमारी कक्षा में सभी विद्यार्थियों की सीखने की स्थिति किस प्रकार बढ़ सकती है, सभी बच्चों की सीखने की भागीदारी किस प्रकार बढ़ सकती है, ये सब तय होगा जब अगर एक शिक्षक होने के नाते हम इस बात को जानें और माने कि स्कूल में आने से पहले जब बच्चा आपके पास आता है, जब बच्चा हमारी कक्षाओं में हमारे पास आता है, तो उस बच्चे के पास एक समृद्ध ज्ञान भंडार होता है। बच्चा एक कोरी स्लेट नहीं होता। ऐसा नहीं कि बच्चा कुछ नहीं जानता, बच्चे के पास अपने पर्याप्त अनुभव हैं। हम ये माने
कि ज्ञान का निर्माण और उसका परिमार्जन जो है वो समूह के रूप में होता है, एक सामूहिकता में होता है। सभी बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं, वो अपने स्वभाव से कुछ जानना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। अगर एक शिक्षिका होने के नाते हम ये मान लेते हैं कि हमारे बच्चे हमारी कक्षा में जो हैं वो सब समझना चाहते हैं, सब सीखना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं, यदि हम ये मानते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी किसी भी गतिविधि में बच्चों की भागीदारी को बढ़ा रहे होंगे। हमें यह भी मानना होगा कि सभी बच्चों में सीखने का पर्याप्त सामर्थ्य होता है, किसी में कम या किसी में ज़्यादा हो सकता है, पर सभी बच्चे सीखने की स्थिति में होते हैं, स्वाभाविक स्थिति में होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे अपने परिवेश से बेहतर प्रकार से सीख पाते हैं, जो भी उनका परिवेश है, जो भी उनके आसपास का वातावरण है जिससे वो बच्चे सीखते हैं, क्योंकि उनके अनुभवों का निर्माण, उनके अनुभवों की रचना और उनका गढ़ना उसी परिवेश से होता है। तो परिवेश से बच्चे बेहतर प्रकार से सीख पाते हैं, यदि हमने परिवेश का ध्यान रखा है तो निश्चित रूप से बच्चे सीखेंगे। सीखने का मतलब, एक शिक्षक होने के नाते हमें यह समझना होगा कि सीखने का मतलब यदि बच्चे अपने अनुभवों को दोहराते हैं, बच्चे अपनी कक्षा में उन जो भी उसने अनुभव किया है उसके ऊपर बातचीत करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, उन चर्चाओं पर या उन प्रयोगों पर सवाल खड़े करते हैं, सोचते हैं, खुद से कुछ करके देखना चाहते हैं, यदि अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ये एक बेहतर सीखने की स्थिति है। आप कह सकते हैं कि ऐसी कक्षा में अधिगम बहुत स्वाभाविक है। एक शिक्षक होने के नाते हमारी ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सीखने के लिए बच्चों को अवसर दें, और ये अवसर देना और एक उस वातावरण का निर्माण करना एक शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक शिक्षक की ये एक प्रकार से जवाबदेही है। कक्षा की सभी गतिविधियाँ बच्चे के लिए होती है, अगर हम ऐसा मानते हैं तो निश्चित रूप से हमारी उस कक्षा में बच्चों की भागीदारी बढ़ रही होगी। अगर हम ऐसा मानकर चलते हैं कि कक्षा की सभी गतिविधियाँ बच्चों के लिए है, उसी में इसी को शायद हम ये कह सकते हैं कि यही इसी प्रकार का एक जो गतिविधि का जो तरीका है वो एक बाल केंद्रित तरीका है, जिसमें बच्चों की को ध्यान में रखकर गतिविधियों का की आयोजना की जाती है। सहयोगात्मक तरीके से सीखना, गतिविधि करके सीखना, ये अपने आप में सीखना ही है। अगर ऐसा करते हैं तो ये खुद से एक बेहतर सीखने या बेहतर अधिगम की स्थिति बन रही होती है। तो हम एक संवेदनशील शिक्षक होने के नाते अगर हम ये मान लेते हैं कि बच्चे को हम अवसर दे रहे हैं, बच्चे के लिए वातावरण का निर्माण कर रहे हैं, सभी गतिविधियों के केंद्र में हमने बच्चों को रखा है, सहयोग करना या गतिविधि करना ही अपने आप में एक सीखना है, अगर हम इतना सोच लेते हैं, इतना मानते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपनी कक्षा में बच्चों की भागीदारी को सकारात्मक रूप से बढ़ा रहे होंगे। सीखना क्या होता है और सीखने के कौन कौन से कारक हैं, यह सब जान लेने के बाद ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि जिस विषय में आज हम लोग बात कर रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण से हमारा क्या अभिप्राय है? मूलतः या सामान्य अर्थों में हमारे आसपास के वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण शब्द को अगर हम संधि विच्छेद करें तो हम ये पाते हैं कि परि मतलब चारों तरफ और उसका आवरण मतलब घेरा। जो चारों तरफ का हमारा घेरा है वो ये जो पर्यावरण है या जो ये परिवेश है, ये बच्चे के परिवार से हैं, उसके समाज से हैं, उसके आसपास की बस्ती या उसके गाँव से, उसके मित्र, उसके सखा, उसके साथी, खेत, मैदान, खलियान, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, ये सब मिलकर उस बच्चे के पर्यावरण की रचना कर रहे होते हैं। जैसा कि परिवार से लेकर नदी पहाड़ तक या तमाम आसपास की चीज़ें उसमें शामिल हैं, तो निश्चित रूप से पर्यावरण एक जटिल और लगातार बदलने वाला तंत्र है। ये एक जटिल स्थिति है जिसमें बच्चे का स्वयं का अपनी भागीदारी, उसके परिवार, उसके समाज, उसके आसपास, उसके मोहल्ले, खेत खलियान सब शामिल होते हैं, तो एक प्रकार से जटिल तंत्र बनता है। पर्यावरण अध्ययन का एक जो बड़ा कारण है या जो समझना चाहिए वो ये कि हम ये मानते हैं कि बच्चा अपने परिवेश से समझता है, सीखता है, तो पर्यावरण अध्ययन अपने आप में एक सीखने का माध्यम बन जाता है। पर्यावरण अध्ययन सीखने की एक प्रक्रिया है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे अपने अनुभवों को आकार दे रहे होते हैं, उनको दिशा दे रहे होते हैं, तो इस प्रकार बच्चों के अनुभव को दिशा देने में, बच्चों के अनुभव को आकार देने में पर्यावरण एक सशक्त भूमिका निभाता है। पर्यावरण अपना एक मजबूत माध्यम के रूप में काम कर रहा होता है। पर्यावरण की जो अवधारणा है उसको अगर हम लोग कुछ अवयवों में बांट कर देखें, कुछ खंडों में बांट कर देखें, तो हम ये पाते हैं कि समग्र पर्यावरण में, संपूर्ण पर्यावरण में बच्चे का अपना भौतिक परिवेश, उसका घर, उसका आसपास का भूगोल, उसके आसपास की भौगोलिक स्थिति, बच्चे का अपना जैविक परिवेश, पेड़ पौधे, खेती के आसपास की चीज़ें, तमाम बातें, और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियाँ, यहाँ तक कि बच्चे की भाषा, बच्चे का रहन सहन,
बच्चे की संस्कृति, बच्चे का उठना बैठना चलना बोलना, ये सब उसमें शामिल होता है। तो ये भौतिक एक प्रकार से, जैविक एक प्रकार से, सामाजिक सांस्कृतिक निर्मिति भी है। तो पर्यावरण मूलतः इन सबसे मिलकर बनता है, जिसमें बच्चे का अपना होना, बच्चे की अपनी पूरी गतिविधियाँ, बच्चे के उसके सांस्कृतिक और सामाजिक उपागम, ये सब एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो पर्यावरण इन सबका एक समग्रता है, इन सबका एक, जो कह सकते हैं कि इन सबसे मिलकर पर्यावरण बनता है। अगर हम ये समझते हैं एक शिक्षक होने के नाते, तो हम ये पाते हैं कि हम इस तरह की गतिविधियाँ आयोजित करेंगे जिसमें इन सब का समावेश होगा। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम बेहतर पर्यावरण शिक्षण की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर हम पर्यावरण का अध्ययन करना क्यों चाहते हैं। जब हम ये जान लेंगे और ये हम शिक्षक होने के नाते अगर हम इसको, इस उद्देश्य को पकड़ पाते हैं, तो हम अपनी कक्षाओं में बच्चे के भागीदारी को और बच्चे की जो सीखने की जो प्रक्रियाएं हैं उनको बेहतर बना पाते हैं। पर्यावरण का अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये मानते हैं हम लोग कि बच्चे का जो परिवेश है, बच्चे का जो आसपास का वातावरण है, यही उसके सीखने की पहली पाठशाला है। बच्चा यहीं से सीखना प्रारंभ करता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि विद्यालय में भी सीखता है, विद्यालय के सीखने के अलावा वो अपने परिवार, अपने आसपास, अपने मोहल्ले, अपने साथियों, अपने घर, इन सबसे सीखता है। तो ये जो परिवेश है, ये बच्चे की पहली पाठशाला है। इस पाठशाला के बाद ही बच्चा हमारे पास आता है। और इसीलिए हम लोग बार बार इस बात पर ध्यान आकर्षित करते हैं कि बच्चा सीख कर आता है, बच्चा अपने अनुभवों को रच कर आता है, अपने अनुभवों को गढ़ कर आता है। और ये परिवेश जो है, इसका प्राकृतिक परिवेश है, उसका सामाजिक परिवेश है और उसका सांस्कृतिक परिवेश है, इसको समझ पाता है। तो पर्यावरण अध्ययन एक अवसर मुहैया कराता है बच्चे को, या एक इस प्रकार का एक कह सकते हैं कि एक ऐसा स्थान देता है बच्चे को जहाँ पर वो अपने प्राकृतिक, अपने सामाजिक, अपने सांस्कृतिक, जो उसका वातावरण उसको समझ पाए, उनके बीच के अंतर संबंधों को समझ पाए, कि ये वो जान पाए कि किस मौसम में कौन सी कृषि होती है, वही जान पाए कि किस पौधे पर, किस पेड़ पर कौन से फल लगते हैं, कौन सी सब्जियां लगती है, और इन सब्जियों के निर्माण में, इन सब्जियों को लगने में मिट्टी, खाद, पानी की क्या भूमिका है, उसके पास बहने वाली नदी, उसकी बस्ती के आसपास से गुजरने वाला नाला किस प्रकार से आसपास की जो जमीन है उसकी सिंचाई करता है, ये जान पाए, और उस सिंचाई से उसके घर में क्या उत्पादन होता है, उसके खेत में क्या उत्पादन होता है, और ये उत्पादन का जो सामान है वो बाजार में किस प्रकार से जाता है। अगर इनके बीच में, इन परिवेश की घटनाओं के बीच में अगर वो कार्य कारण संबंध को स्थापित कर लेता है, इसको जान जाता है कि किन घटनाओं का, इन घटनाओं का कोई ना कोई कारण है, ये घटनाएं इस निश्चित कारण की वजह से हुई हैं, तो अगर वो ऐसा कर पाता है तो ये पर्यावरण अध्ययन के लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य वो पूरा कर रहा होता है। इन सब घटनाओं से, इस प्रकार के अधिगम से एक वैज्ञानिक नज़रिया बच्चे में विकसित होता है। एक प्रकार का ये मेथड भी है, एक प्रकार का ये तरीका भी है घटनाओं को सीखने और समझने का। तो पर्यावरण अध्ययन बच्चे की सीखने की पहली पाठशाला हुई, उसके परिवेश को समझाने का काम करता है, कार्य कारण संबंधों को स्थापित कर रहा होता है, बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर रहा होता है। और यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम एक विषय का दूसरे विषय के साथ समावेश भी कर लेते हैं। भूगोल से हम इतिहास पकड़ पाते हैं, इतिहास से हम समाज को समझ पाते हैं, समाज का कृषि के साथ क्या रिश्ता है, कृषि का व्यापार के साथ क्या रिश्ता है, व्यापार का यातायात के साधनों के साथ क्या रिश्ता बनता है, यातायात का जो साधन है उसका हमारी एक जगह से दूसरी जगह जाने की स्थिति में क्या बदलाव लाता है, ये तमाम बातें अगर हम बच्चे को अपनी कक्षा में भागीदारी करने के लिए तैयार करते हैं, तो निश्चित रूप से न केवल उसकी भागीदारी बढ़ेगी बल्कि वो पर्यावरण अध्ययन के उन उद्देश्यों की प्राप्ति भी कर रहा होगा जिसके लिए ये पूरा का पूरा पाठ अनुप्राणित है। मूलतः पर्यावरण अध्ययन अपने आप में ही जीवन जीना है। पर्यावरण का अध्ययन करके हम बच्चे में जीवन जीने की जो पद्धति है, जीवन जीने का जो कौशल है, उसका विकास कर रहे होते हैं। अर्थात पर्यावरण अध्ययन जीवन जीना होता है। परिवेश के अध्ययन के माध्यम से बच्चे में कुछ खास तरह के जो बुनियादी कौशल हैं, हम लोग उसका विकास करते हैं। ये कौशल जैसे अवलोकन, भ्रमण, सहयोगात्मक गतिविधि या अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं, इनसे वो सीखता है। तो वो अवलोकन करके अपनी ज्ञानेंद्रियों का विकास कर रहा होगा, भ्रमण करके वो अपने आसपास के परिवेश को सीख रहा होगा, सहयोगात्मक या गतिविधि के आधार पर जो सीखना होता है उसकी मदद से बच्चा एक दूसरे के साथ काम करना सीखता है, सह अस्तित्व की भावना का विकास करता है कि नहीं, इस कक्षा में जितनी महत्वपूर्ण आवश्यकता मेरी है, इस समूह में जितना मेरा होना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण मेरे साथी का है, मेरे सहपाठी का है, मेरे पड़ोस का, मेरे पड़ोस की अवधारणा में भी यही बात शामिल होती है। तो ये सामूहिकता का बोध कराता है। पर्यावरण से हम एक दूसरे के प्रति सम्मान का जो नजरिया है, सम्मान की जो भावना है, उसको हम विकसित कर रहे होते हैं। बच्चों में एक दूसरे के प्रति निर्भरता बढ़ती है। पर्यावरण का अध्ययन
जब न केवल विषयों का समेकन है बल्कि ये पद्धतियों का समेकन भी है। पर्यावरण का अध्ययन न केवल विषय का, न केवल पद्धतियों का, बल्कि आपकी कक्षा में शामिल सभी बच्चे की भागीदारी को सुनिश्चित करने का एक माध्यम भी है। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में एक जो सकारात्मक आत्मनिर्भरता है, यानी कि सब एक के लिए है और एक सब के लिए है, यानी कि मेरा होना, उस बच्चे का होना उस पूरे समूह के लिए बहुत ज़रूरी है और समूह का होना उस बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। यही बोध पर्यावरण हमें, पर्यावरण का अध्ययन का एक बड़ा मकसद है, एक बड़ा उद्देश्य है। हम पर्यावरण अध्ययन इसलिए भी करते हैं ताकि बच्चे में खुद से फैसले लेने की भावना का विकास हो, और यदि ऐसा होता है तो हमारी कक्षा के बच्चों में एक आत्मविश्वास का निर्माण होगा, या आत्मविश्वास या उसका जो विश्वास है वो उसको बड़े फैसले लेने के लिए तैयार करेगा। और यदि वो ऐसा करता है तो न केवल स्वयं के प्रति बल्कि अन्यों के प्रति भी एक यकीन के दृष्टिकोण से, एक विश्वास के दृष्टिकोण से, एक सकारात्मक बोध के दृष्टिकोण से, एक सह अस्तित्व के दृष्टिकोण से वो लगातार देखता है, लगातार विकसित हो रहा होता है। बच्चों का सीखना आप अपनी कक्षा में बेहतर बना सकते हैं या सुनिश्चित कर सकते हैं यदि परिवेश या पर्यावरण को हम एक उपकरण के रूप में देखें। पर्यावरण को हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम एक अवधारणा के रूप में समझें। यह अवधारणा किस प्रकार से, परिवेश के बारे में सीखना, यानी कि पर्यावरण से सीखना, पर्यावरण के द्वारा सीखना और पर्यावरण के लिए सीखना। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम सभी बच्चों के सीखने को सुनिश्चित कर रहे होंगे। पर्यावरण अपने आप में एक माध्यम है, पर्यावरण को सीखना भी एक सीखना होता है, पर्यावरण के बारे में जानना सीखना भी अपने प्रकार से अपने आप में बच्चों की भागीदारी को बढ़ाने वाला होगा, और पर्यावरण के द्वारा सीखना भी होता है। कि पर्यावरण के द्वारा सीखने का अगर हम उदाहरण के रूप में बात करें तो ऐसे मान लीजिए आसपास आपने देखा कि सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम है, तो ये गर्मी या ये सर्दी या बारिश बच्चों को क्या सिखाती है? सर्दी में उन्हें किस प्रकार के रहन सहन के साथ जाना चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, इस सर्दी के मौसम में कौन कौन सी फसलें पैदा होंगी, ये फसलें इसी मौसम में क्यों पैदा होती हैं, इस प्रकार खास तरह के कपड़े खास तरह के परिवेश में क्यों पहने जाते हैं, तापमान का घटना बढ़ना इसका बड़ी भौगोलिक स्थितियों से क्या संबंध बनाता है। सर्दी के मौसम में तापमान लगातार कम होता है, गर्मी में लगातार बढ़ता है, पानी का गर्म होना किस प्रकार से समझा जा सकता है। ये तमाम बातें हैं जिसके आधार पर हम बच्चे को, यानी कि परिवेश अपने आप में एक जरिया बन जाता है, एक माध्यम बन जाता है सीखने और सिखाने का। यदि हम अपनी कक्षा में वातावरण को एक प्रकार से विषय वस्तु माने, वातावरण को एक प्रकार से हम लोग एक कह सकते हैं कि एक संदर्भ बिंदु माने या एक संदर्भ के रूप में उसे समझें, तो इस प्रकार का सीखना बच्चों का आपकी कक्षा में भागीदारी को बढ़ाने वाला होगा। इस प्रकार का अधिगम यदि आपकी कक्षा में होता है तो वो बच्चों को प्रभावी रूप से सिखाएगा, एक बेहतर रूप से सिखाएगा, जो एक बड़ी चिंता का मामला होता है कि छोटी कक्षाओं में बच्चों को बेहतर किस प्रकार से सिखाया जाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप सीखने सिखाने की परंपरा को बेहतर रूप से विकसित कर रहे होंगे। सीखना सुनिश्चित किया जा सकता है, और यदि हम इन कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो हम ये पाते हैं एक शिक्षक होने के नाते हम अपनी कक्षा में सीखना सुनिश्चित कर सकते हैं, बच्चों की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है। एक शिक्षक यदि अपने बच्चों को समझता है, बच्चों की प्रकृति, बच्चों के स्वभाव, बच्चों के सामाजिक परिवेश, बच्चों के सांस्कृतिक परिवेश को यदि जानता और समझता है तो निश्चित रूप से वो उन बच्चों की अपनी कक्षा में भागीदारी को बढ़ा रहा होगा। एक बहुत बड़ी दिक्कत है हम शिक्षक साथियों के साथ, वो ये कि हम बच्चे को अक्सर छोटे वयस्क के रूप में समझते हैं। हम ये मान कर चलते हैं कि बच्चे को वयस्क होना है और वयस्क होने की तैयारी बचपना है। ऐसा नहीं है। बचपन में या उस बच्चे की दुनिया में या बच्चे के आसपास का जो समाज है उसमें बच्चे के पास अपनी एक विस्तृत दुनिया होती है, बच्चे के पास अपना एक विचार होता है, और निश्चित रूप से ये विचार उसके वयस्कों की जो विचार है उससे पर्याप्त अंतर रखता है। बच्चे के पास अपने अनुभव हैं, बच्चे की अपनी एक भाषा है, एक समृद्ध भाषा है, और बच्चे के पास अपने खुद के औजार हैं ज्ञान के निर्माण के लिए, अपने अनुभवों को आकार देने के लिए, अपने अनुभवों को समझने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। उसके पास एक कह सकते हैं कि मजबूत औजार है। और अगर हम एक शिक्षक इन सब बातों को जान लेता है और मान के चलता है, एक संवेदनशील रूप से वो इन सब चीज़ों को ग्रहण करता है कि बच्चे की अपनी दुनिया, बच्चे का उसका अपना विचार, बच्चे का अपना उसका अनुभव, बच्चे की अपनी उसकी समृद्ध भाषा, बच्चे के पास अपने तरीके हैं, अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो अपनी कक्षा में बच्चों को बेहतर रूप से
समावेश कर रहा होगा, बेहतर रूप से अपनी कक्षाओं के लिए तैयार कर रहा होगा। और एक शिक्षक का एक महत्वपूर्ण दायित्व यह है कि वो ये माने कि सीखना अंतिम उद्देश्य है। उसकी कक्षा में सीखना अगर हो रहा है, उसकी कक्षा में सीखने की गतिविधि आगे बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से बच्चों की भागीदारी का एक बड़ा प्रमाण है ये। हम ये भी मानकर चलें एक शिक्षक होने के नाते, खासतौर पर छोटी कक्षाओं में, जैसा कि हमने बताया अभी कि कोई भी विधि सीखने की अपने आप में कोई अंतिम विधि नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में खासतौर पर कोई एक विधि कारगर नहीं होती। बच्चे समूह में काम करते समय भी एक से अधिक विधियों से सीख सकते हैं। कोई अवलोकन करके सीख सकता है, कोई मूल्यांकन करके सीख सकता है, कोई मापन करके सीख सकता है, कोई तर्क बहस करके सीख सकता है, कोई भाषा के माध्यम से सीख सकता है, कोई नाटक के माध्यम से सीख पाता है या उन घटनाओं को कर पाता है, कोई खेल के माध्यम से सीख पाता है। तो यदि इतनी सारी स्थितियों को या इतनी सारी विधियों को अगर हम समावेश करते हैं और सबके लिए हम हमारे पास एक एक प्रकार का वातावरण निर्माण होता है, तो हम निश्चित रूप से बच्चों की भागीदारी को अपनी कक्षा में बढ़ा रहे होंगे। एक शिक्षक के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो ये माने कि शिक्षण और अधिगम केवल कक्षा में ही नहीं होता, शिक्षण और अधिगम कक्षा के बाहर भी होता है। कक्षा के बाहर भी बच्चे सीखते हैं, विद्यालय की जो चार दीवारी है उससे भी, उसके बाहर भी बच्चे सीख रहे होते हैं। घर में चलते हुए, घूमते हुए, पेड़ पौधों की पत्तियों को तोड़ते हुए, उनको पहचानते हुए, उनके बारे में मनन चिंतन करते हुए, साथियों के साथ खेलते हुए, घर में रोटी को पकते देखते हुए भी बच्चे सीखते हैं। ये सब तमाम वो स्थितियाँ हैं जहाँ पर बच्चों का सीखना स्वाभाविक होता है। ये स्वाभाविकता ही हमें अपनी कक्षाओं के लिए तैयार करनी है, ये स्वाभाविकता ही हमें अपनी कक्षाओं में लेकर आनी है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम सीखने के लिए एक माहौल बना रहे होंगे, और सीखने के लिए अगर बच्चों को हम आज़ादी देते हैं, एक स्वतंत्रता का माहौल देते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चों की भागीदारी उस कक्षा में बेहतर बनेगी। हमारा सीखना बेहतर होगा यदि हमारा तरीका लोकतांत्रिक है। हम इस बात पर जोर दें कि बच्चों ने किसने क्या सीखा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह कि किसने क्या सीखा है और कैसे सीखा है। तो वहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, वहाँ बच्चा महत्वपूर्ण नहीं है, उसका सीखना और सीखने की पद्धति और उसकी परंपरा महत्वपूर्ण बनती है। एक दूसरे को प्रोत्साहित करने का माहौल हो हमारी कक्षा में, बच्चों के विचार और उनके नज़रियों को समझा जाए, उनको सुना जाए। यदि ऐसा होता है तो कक्षा में एक प्रतिस्पर्धा का जो माहौल होगा वो लगातार कम होता जाएगा। और यदि आप अपनी कक्षा में प्रतिस्पर्धा के माहौल को कम करते हैं तो निश्चित रूप से आप बच्चों की भागीदारी को बढ़ा रहे होंगे, सभी बच्चों को शामिल कर रहे होंगे। अक्सर बच्चे बोल नहीं पाते, अक्सर बच्चे अपनी बातों को रख नहीं पाते, अक्सर बच्चे अपने सवाल नहीं पूछ पाते। उसके पीछे जो बड़ा कारण समझ में आया वो ये कि बच्चे की अपने घर की भाषा और पाठ्य पुस्तकों की भाषा दोनों में पर्याप्त अंतर है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक की भाषाओं को अधिक महत्व देता है, जबकि वो बच्चे की अपनी भाषा जो है जिसमें वो अपने विचारों को गढ़ता बुनता और उनको व्यक्त करना चाहता है, उसके लिए कोई जगह नहीं मिल पाती। इस कारण से बच्चे कक्षा में बोलने से झिझकते हैं, कक्षा में बच्चे जानते हुए भी बात नहीं कह पाते। तो ऐसा हमें इस बात का ध्यान रखना होगा एक शिक्षक होने के नाते कि हम बच्चे की भाषा को, महत्व को समझें, उसको सम्मान दें। बच्चों के लिए सीखना महत्वपूर्ण है, बच्चों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण या चिंता का मामला न रहे कि वो बेहतर नहीं कर पाए, वो असफल हो गए, वो उनका प्रयोग सफल नहीं हुआ, ये चिंता ना हो। ये चिंताएँ लगातार कम होंगी यदि हम उनके साथी के रूप में खड़े रहें। एक शिक्षक को, एक शिक्षिका को ये मानना होगा कि वो उन बच्चों के सहकर्मी हैं, सहयोगी है, एक साथी के रूप में काम कर रही है। और आप अपनी कक्षा में बच्चों को पूछने की आज़ादी देंगे, भय मुक्त वातावरण रखेंगे, बच्चों को डांटेंगे नहीं, बच्चों को डराएंगे नहीं, तो निश्चित रूप से बच्चे भागीदारी देंगे, निश्चित रूप से बच्चे कक्षा में भाग लेंगे, गतिविधि में भाग लेंगे, और उनकी इस प्रकार से बेहतर शिक्षण अधिगम हो पाएगा। कई बार ये देखा गया कि जो शिक्षक अपने बच्चों को, अपनी कक्षा के बच्चों को नाम से पुकारते हैं, बच्चे और शिक्षकों के बीच में एक बेहतर तालमेल होता है, बच्चे ऐसे शिक्षक को पसंद करते हैं, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें खुद से काम करने का अगर अवसर मिलता है तो उनमें एक सकारात्मकता का बोध भी आता है। बच्चों के अपने अनुभव जब आपकी कक्षा में शामिल होंगे, बच्चों के अपने अनुभव अगर को आप अपने आज की कक्षा की गतिविधि का हिस्सा बनाएंगे, बच्चों के अनुभवों को आप ब्लैक बोर्ड में लिखते समय महत्वपूर्ण मानेंगे, तो निश्चित रूप से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। और एक आत्मविश्वासी बच्चा, एक आत्मविश्वासी कक्षा आपके लिए एक बात, इस बात का संकेत होगी कि बच्चे बेहतर सीख रहे हैं। शिक्षक की ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है या उसका एक बड़ा गुण बन जाता है जब वह इस बात को माने कि बच्चों को ध्यानपूर्वक सुना जाना चाहिए।
एक शिक्षक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनते हैं कि बच्चों के पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी वो बताना चाहता है, आप उसे उस कक्षा में सुने, कक्षा के बाहर सुने, उसके अपने अनुभवों को बिना खारिज किए उत्सुकता के साथ, कौतूहल के साथ जाने। क्यों? क्योंकि वो बच्चे के लिए उसके अपने अनुभव उसके ज्ञान का एक रास्ता बना रहे होते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो बच्चे को, जो हम लगातार बात करते हैं कि जो रचनावादी शिक्षण का जो दृष्टिकोण, जिसमें हम ये मानते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, तो आप उसके लिए एक ज़मीन तैयार कर रहे होंगे, उसके लिए बच्चे में एक आत्मविश्वास दे रहे होंगे। और यदि आप ऐसा करते हैं और बच्चे को ज्ञान का निर्माण करने का अवसर मिलता है, तो इस तरह की स्थितियों में बच्चे उसके संदर्भ में खुद से फैसला करते हैं, उनमें नेतृत्व करने का गुण विकसित होता है, उनमें फैसले लेने की क्षमता विकसित हो रही होती है। और आप ऐसा करते हैं तो साथ ही साथ आपकी अपनी कक्षा में बच्चों की भागीदारी है, तो भागीदारी सीखने का सबसे बड़ा संकेत है, सबसे बड़ी कसौटी है। यह भागीदारी किस प्रकार से होगी? बच्चे का मन, बच्चे का मस्तिष्क, बच्चे का शरीर, उसके हाथ पैर काम कर रहे हैं उस कक्षा में, मन लग रहा है गतिविधि करने में, उसकी भागीदारी बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों का समावेश हो रहा है, इन तीनों का समन्वय हो रहा है, ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो बच्चे का मन, बच्चे का मस्तिष्क, बच्चे का शरीर यदि आपकी कक्षा में है, आपकी कक्षा के साथ काम कर रहा है, आपके विचार के साथ आज कि आपकी गतिविधि के साथ जुड़ रहा है, तो निश्चित रूप से वो भागीदारी को दिखाने का सबसे बड़ा संकेत है। ऐसा करके कोई भी शिक्षक अपनी कक्षा के अंदर ये तय कर लेगा या तय कर सकता है कि सीखने की स्थितियां का निर्माण हो रहा है, सीखने की स्थितियां बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है, सीखने की स्थितियां बच्चों को उत्साहित बना रही है, उनमें एक लगन का निर्माण हो रहा है और उनका मन कक्षा में लग रहा है, वो उस गतिविधि के साथ जुड़ गए हैं। यदि ऐसा होता है तो हमारी पर्यावरण की कक्षा में, खास तौर पर छोटी कक्षा में, आप बच्चों की भागीदारी को बढ़ाते हुए बच्चों को सीखने सिखाने की गतिविधि के साथ बेहतर रूप से जोड़ सकते हैं। निश्चित रूप से ये एक चुनौतीपूर्ण काम है और इस काम की तैयारी करना एक शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब बच्चों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित करें। एक बच्चा, दो बच्चे, पांच बच्चे कक्षा के में भाग ले सकते हैं, आगे की पंक्ति के बच्चे भाग ले सकते हैं, कई बार देखा जाता है कि पीछे की पंक्ति के बच्चे भाग नहीं ले रहे हैं। यदि ऐसा करते हैं और हम अगर ये तब संभव होगा, इन सब समस्याओं से तब आप निपट पाएंगे जब आपकी तैयारी पूरी होगी। एक शिक्षक को अपनी कक्षा के लिए एक खाका तैयार करना होगा, योजना निर्माण करना होगा, उसको कक्षा में क्या, किस विषय पे आज चर्चा करनी है, किस मुद्दे पर उसे बात करनी है, तो उस विषय की प्रकृति को वो समझे। साथ ही साथ वो ये भी माने कि कई प्रकार की विधियां आज की बातचीत में शामिल की जा सकती है। हो सकता है कि हम गतिविधि करें, हो सकता है कुछ बच्चे गतिविधि करें, हो सकता है कि पूरी कक्षा बाहर जाकर कुछ देखना चाहे, हो सकता है कि पूरी कक्षा किसी और मुद्दे पर बहस करना चाहे, हो सकता है कि जो तरीका उसने आज तय किया उसके अलावा बच्चों के पास कोई और नया तरीका हो, कोई और बेहतर तरीका हो, जिससे वो इस गतिविधि में जुड़ना चाहते हैं। बच्चों की रुचि को समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए यदि आप गतिविधियों का आयोजन करते हैं, आप पढ़ने पढ़ाने की परंपरा को विकसित करते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चों की भागीदारी बढ़ेगी। और ऐसी भागीदारी होने पर, बच्चों की भागीदारी बढ़ने पर, बच्चे जब उसमें शामिल होते हैं, तो बच्चों को एक प्रकार से एक नया अवसर मिलता है अपने अनुभवों को रचने का। और उन अनुभवों को रचने के लिए यदि आपने उन बच्चों को आज़ादी दी, उन बच्चों को एक स्वतंत्रता दी कि हाँ वो कर सकते हैं, अपने मन से काम कर सकते हैं, किसी और कोने में बैठ के भी काम कर सकते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कक्षा बच्चों को बेहतर रूप से उनके शिक्षण अधिगम को सुनिश्चित करने वाली होगी। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ बच्चे सीखेंगे, हाँ बच्चे सीख रहे हैं, क्योंकि ये सब करना ही अपने आप में सीखना है। सीखना सिर्फ एक उत्पाद के रूप में नहीं है, सीखना एक प्रक्रिया के रूप में है। जब आप सीखने को एक प्रक्रिया के रूप में समझेंगे तो हर गतिविधि में, हर कार्यप्रणाली में आपका सीखना सुनिश्चित होगा। और यदि आप उत्पाद के रूप में देखेंगे तो अंत में ही आप ये मान पाएंगे कि बच्चों ने सीखा है, कुछ सवालों के जवाब बच्चों ने दे दिए तो सीखना हुआ, ऐसा नहीं है। आप अपनी पूरी गतिविधि पर चिंतन करें, समीक्षा करें कि आज की गतिविधि को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद भी अपने आप सक्रिय और सजग अधिगमकर्ता के रूप में काम कर रहे होंगे। बच्चों की सहभागिता को बढ़ाने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसा कि पूरी बातचीत में निकल कर आया। आपकी भूमिका इस मायने में भी है क्योंकि आप एक योजनाकार होते हैं। एक योजनाकार के रूप में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। योजनाकार से हमारा अभिप्राय है कि आप पूरी कक्षा का जो खाका बनाएंगे, पूरी कक्षा में क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, अगर आप इसकी योजना बनाते हैं, योजना आपके हाथ में होती है, तो निश्चित रूप से आप बेहतर शिक्षण अधिगम की तरफ बढ़ रहे होंगे। कक्षा में आप संगठनकर्ता के रूप में काम करते हैं,
सब बच्चों की भागीदारी को देखना, उन बच्चों को संसाधन मुहैया कराना, उस काम के लिए वातावरण का निर्माण करना, किसी कहानी के माध्यम से, किसी घटना का जिक्र करते हुए, किसी बाहर के वातावरण की चर्चा करते हुए, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी कक्षा में बच्चों के सीखने सिखाने के लिए वातावरण तैयार कर रहे होंगे। आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है वो ये कि आप बच्चों को एक सक्रिय पर्यवेक्षक के रूप में देखते हैं, उनके ग्रुप में जाकर छोटे छोटे समूह में आपने जो बच्चों की भागीदारी को बढ़ाने का काम किया उसमें जाकर आप देखते हैं कि बच्चे किस प्रकार से गतिविधि कर रहे हैं, किस प्रकार से सीख रहे हैं, और अंत में आप खुद भी ये माने कि सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में आपकी भूमिका होती है, यानी कि आप भी एक लर्नर हैं, आप भी एक सीखने वाले की स्थिति में बच्चों के साथ। तो यदि बच्चे और शिक्षक दोनों मिलकर सीखने की भूमिका में होते हैं ना कि सिखाने की भूमिका में, तो बेहतर रूप से सीखने की गतिविधि बढ़ रही होती है, और यह प्रक्रिया ही बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित करती है, आपको आश्वस्त करती है कि मेरी कक्षा के सभी बच्चे आज की इस गतिविधि में भाग ले रहे हैं। हो सकता है कि कुछ बच्चे ज़्यादा भाग लें, हो सकता है कुछ बच्चे ज़्यादा कम भाग लें, यदि ऐसा होता है तो ये कोई चिंता की बात नहीं है, पर हाँ आप ये उनके कारणों को जान सकते हैं कि उसने कम भाग क्यों लिया, क्या हुआ ऐसा कि वो उसका बेहतर परिणाम नहीं आ पाया, तो निश्चित रूप से आप अपनी आने वाली गतिविधियों में उसकी तैयारी कर पाएंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में कक्षा में बच्चों की सहभागिता को बढ़ाते हुए सभी बच्चों को सीखने और सिखाने के लिए तैयार कर रहे होंगे, सभी बच्चों को आप उसमें शामिल कर रहे होंगे। और यदि ऐसा होता है तो एक ऐसी कक्षा बाल केंद्रित कक्षा के रूप में जानी जाती है, यदि ऐसा होता है तो एक ऐसा शिक्षक सहयोगी शिक्षक के रूप में या बच्चों को साथी के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद।